बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ा अपडेट है। मंत्रिमंडल को लेकर अभी नहीं हुई है कोई बैठक। पहले दिल्ली में आलाकमान से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसी लिस्ट भी सोशल मीडिया पर सामने आती रहती है कि ये लिस्ट में नाम आगे चल रहा है। लेकिन फिलहाल सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि सबसे पहले दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात होगी सीएम की, और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर कैसा होगा नया मंत्रिमंडल, कैसा स्वरूप इस मंत्रिमंडल का होगा। लेकिन बड़ी जानकारी इसमें यह है कि फिलहाल कोई बैठक मंत्रिमंडल की अभी नहीं हुई है। मंत्रिमंडल को लेकर सबसे पहले सीएम की मुलाकात होगी दिल्ली में आलाकमान से, और उसके बाद मंत्रिमंडल पर फैसला होगा। तमाम जानकारी के साथ अखिलेश सोलंकी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले आलाकमान से मुलाकात होगी सीएम की, और उसके बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप तय होगा। बिल्कुल पलक, और जिस तरह से हमारी जानकारी है, कई मीडिया हलकों में यह खबर आई कि मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की या संगठन मंत्री की कोई बैठक हुई है भोपाल में, तो इस तरह की कोई बैठक भोपाल में नहीं हुई है, बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि अभी विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू नहीं हुआ है। जो भी फैसला होगा दिल्ली से होगा, और उसकी बैठक सीएम खुद जाएंगे दिल्ली, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री भी वहां पर दिल्ली जाएंगे, और आला कमान से सहमति के बाद ही जो है विस्तार होगा। और एक और जानकारी इसमें यह है कि जो विस्तार होगा इसमें अभी छोटा विस्तार होगा, 10 से 15 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, और उसके बाद एक सेकंड विस्तार की संभावना है। तो अभी मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, क्या स्वरूप होगा, इसकी पूरी रूपरेखा दिल्ली में बनेगी, और उसके बाद ही कोई विस्तार होगा। फिलहाल कोई बैठक नहीं हुई है, और दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। जी अखिलेश, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उनको लेकर भी जो जेपी नड्डा ने कहा है कि ऐसे नेता को घर नहीं बैठा सकता, तो क्या उम्मीद है कोई बड़ी भूमिका में शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं? देखिए, जेपी नड्डा ने एक मीडिया कार्यक्रम में ये बात कही, और जब उनसे पूछा गया कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे मास लीडर का क्या होगा, तो पहले भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जब 2018 में सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो हो सकता है उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दी जाए। जी, तो कब तक उम्मीद है, कब तक ये मुलाकात की संभावना है आलाकमान और सीएम की? देखिए, जिस तरह से पूरा शेड्यूल सामने आ रहा है कि आज तो मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान के दौरे पर हैं, और 18 तारीख से विधानसभा का सत्र है, तो 18 के पहले दिल्ली में ये मुलाकात हो सकती है। जी ठीक है, अपडेट आपसे इस पर आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।